Connected guys, let us start. चलेगा. कैसे हो यारो, क्या हाल चाल है? बढ़िया. बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप लोग. बहुत दिनों बाद हम आए हैं और अब हम ये केवाई सीरीज रन कर रहे हैं. केवाई सीरीज कुछ नहीं, नो योर एग्जामिनेशन. नो योर एग्जामिनेशन मतलब जो युद्ध भूमि पर आप जाओगे वो युद्ध भूमि में कैसे बॉम्ब और कैसे एटम बॉम्ब आप पर आने वाला है उसको थोड़ा पहले परखना जरूरी होता है. होता है कि नहीं होता है? डायरेक्टली आप एग्जाम में जाओगे और पता, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है. तो कुछ हिस्ट्री हमारे काम आती है. आती कि नहीं आती है? वी लर्न फ्रॉम आर पास्ट हिस्ट्री एंड इट हेल्प्स अ लॉट. मेरा भरोसा मानना, इन ऑल माई सी एग्जाम्स, ऑल द प्रोफेशनल एग्जाम्स, मैं 100% पास पेपर्स पे बिलीव करता हूं. उसकी सैम्पलिंग करना, उसको देखना, जितना इंपॉर्टेंट आपका रेगुलर लेक्चर है उसका 3 गुना इंपॉर्टेंट ये सेशन है. मेरा वर्ड सीरियसली लेना. और इसलिए हम लोग ये केवाई सीरीज रन करते हैं जो अपने बच्चों के लिए होता है, करेक्ट, आइडियलिस्टिकली. और उन्हें बताते हैं कि देखो बच्चों, ये समझाते भी है कंसेप्ट और समझाने के साथ हम उनको प्रैक्टिस भी करा देते हैं. तो आपने जितना पढ़ा है, बट देखो एक होता है रेसिपी समझना, एक होता है रेसिपी बनाना, करेक्ट है. खाना बनाने की रेसिपी होती है, वो आप समझ रहे हो और समझ लिया है, आप बनाओगे प्रैक्टिकली तो फर्क पड़ेगा. तो उसको एक अलग चैलेंज होता है. वर्ड्स, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज है. और केवाई ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट वॉट एवर मे बी. समझ रहा है मेरी बात? देखो जितनी मेहनत से आप अटेंड कर रहे हो, इतनी मेहनत से मैं भी तो डिलीवर करूंगा, नहीं तो मैं अभी तक घर पे रहता था. समझो, मेरा भी घर बार है, आप तो अकेले हो, मैं तो परिवार के साथ जी रहा हूं, तो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. तो अपने लिए सेशन इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम क्या करेंगे, एवरी वीक एक एक टॉपिक उठाएंगे. 3-4 पेपर पहले एक बेंचमार्क रखकर कितने क्वेश्चंस आए, क्या आए, सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और आज का टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. समझो मेरी बात, बराबर है कि नहीं? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम शुरुआत करेंगे. अगले वीक में एक अलग टॉपिक और लेंगे, अगले वीक में और एक टॉपिक लेंगे. ऐसे करते करते हमारा कवरेज और हमारा प्रैक्टिस बना रहेगा. सो आर यू रेडी फॉर इट एंड आर यू विलिंग फॉर इट? यस और नो गाइस? मतलब बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, करेक्ट. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द केवाई सेशन, दैट इज फॉर लॉ. एंड यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप. देखो आईसीएआई के ही पेपर में ओपन कर रहा हूं, सजेस्टेड आंसर, ऑथेंटिकेटेड, लफड़ाई नहीं चाहिए. तो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर 4 पेपर इन्होंने दे दिए, तो हम थोड़ा सा झांकेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन आए. सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसरिंग क्या है, आंसर क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो भी रिकॉल करेंगे. तो दो चीज होगी, एक तो रिविजन होगा उस कंसेप्ट का, और दूसरा आप क्या आएगा यहां पर, दूसरा इज बेसिकली व्हाट टू राइट. दोनों चीज पे बात होगा. तो आपने एक दिमाग में रखना है, आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उस प्रिंटेड नोट्स पे जब वो कंसेप्ट आएगा उसको इमीडिएट खोलकर वहां पर लिख दो, आइटम में आया है. समझे मेरी बात? तो पढ़ते पढ़ते आपने क्या कर लेना है, वो पेज खोलना है, पेज पलटना है, एंगेज रहना है, थोड़ा मार्किंग करना है और उसको इज्जत में कर लेना है. जब टाइम डाल रहे हो तो शिद्दत से डालना है. इज दैट फाइन? करेक्ट. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उसको मार्किंग भी करोगे. यस जनता, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. करेक्ट. तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जून 23 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है. चलो आप देखना मुझे. देखो ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट डिफरेंस सेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये क्वेश्चन आया कंपनीज है, ठीक है. या देखिए सेल ऑफ गुड्स है, 4 मार्क का क्वेश्चन था. मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल स्विफ्ट कार टू बी, बोथ मिस टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द स्विफ्ट कार. ए और बी जो है वो ए कार बेच रहे हैं बी को और अपना कार का प्राइस डिस्कस करना बाकी रह गया. लेटर मिस्टर ए रेफ्यूज टू सेल द स्विफ्ट कार टू बी ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वॉज वॉइड अबाउट अनसर्टन प्राइस. प्राइस इज अनसर्टन, प्राइस पता ही नहीं है. डज मिस्टर ए हैव एनी राइट अगेंस्ट मिस्टर बी हैज एनी राइट अगेंस्ट ए. क्या वो बोल सकता नहीं कार खरीदनी पड़ेगी? क्वेश्चन क्या है, ए अपनी कार किसको बेच रहा है? बी को. बट दोनों ने प्राइस छोड़ के बाकी पूरी दुनियादारी बात कर ली, एक्सेसरीज ये वो सब बात कर ली. अब क्या हो गया, ए ने कार बेचने से मना कर दिया, बी ऑन द ग्राउंड दैट कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि प्राइस के बारे में पता ही नहीं है. तो डज मिस्टर बी जो खरीदने वाला है कार है, क्या वो ए से कार खरीदेगा या खरीद पाएगा, हा या ना? वाई नो? ये इंपॉर्टेंट है. आंसर नो है, बट व्हाट इज द थिंग? प्राइस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट.
एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के कितने एलिमेंट्स हैं? 5। पूरा डिस्कस करते हैं अपन। दो पार्टीज चाहिए, बायर एंड सेलर। दोनों पार्टीज के बीच में गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उस गुड्स का क्या ट्रांसफर करना है? ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, और जनरल प्रॉपर्टी देकर इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए? प्राइस, प्राइस एंड अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के 5 एलिमेंट्स है। कौन से 5 एलिमेंट्स है बताइए? पहला एलिमेंट है बताइए कौन सा पहला एलिमेंट है? बायर एंड सेलर। सेकेंड एलिमेंट है गुड्स। तीसरा है प्राइस। चौथा है जनरल प्रॉपर्टी। एंड पांचवा है अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर प्राइस का डेफिनेशन, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन। फिर सेक्शन नंबर 9 और 10, प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्राइस। प्राइस फिक्स करने के अलग अलग मोड है, करेक्ट है? डिसाइडेड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला मोड। दूसरा मोड, कोर्स ऑफ डीलिंग, पिछले व्यवहार को देखते हुए प्राइस फिक्स किया जाएगा। पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही फिक्स किया, बट आप चाय 10 बार पीते दिन में, तो चाय एक बार पूछोगे कितने का भैया, बोलेगा 10 रुपए। क्या वापस पूछोगे चाय कितने का है? 10 रुपए निकाल के दे दोगे। तो कोर्स ऑफ डीलिंग्स। थर्ड, स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेथड स्पेसिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला है मटीरियल प्लस लेबर प्लस दिस प्लस प्रॉफिट 10%, तो कैलकुलेटेशन का तरीका दिया है। एंड एनी अदर मैनर में थर्ड पार्टी में फिक्स द प्राइस। क्या ए और बी के बीच में, जैसे पेट्रोल प्राइस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के कौन कर रहा है? आप और पेट्रोल पंप। याद आ रहा आपको ऐसी कुछ चीज? याद आ रहा है ऐसी कुछ चीज? करे गाइस, अब मेरी बात मानना। उस केस में अब यहां पर देखो, प्राइस के बारे में दो सेक्शंस है, सेक्शन 9 और 10। 10 क्या बोलता है? थर्ड पार्टी डिड नॉट फिक्स द प्राइस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बट अगर गुड गुड डिलीवर हो गए तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, और जिसके गलती से प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, अदर पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस। बराबर है क्या नहीं है? अरे बराबर है क्या नहीं है? तो ये अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क का क्वेश्चन था। इन्होंने देखो सबसे पहले 9, 10 सेक्शन 2, 10 प्राइस का डेफिनेशन भी दे दिया, करेक्ट है क्या नहीं? और फिर बोला देखो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। आप लिखोगे प्रोविजन, प्रोविजन में दो लिखोगे, प्राइस का डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 9 का रेफरेंस, सेक्शन नंबर 10 का रेफरेंस टाइम है तो। और फिर लिखोगे फैक्ट्स कि ए ने बी को कार बेचने की बात करी, प्राइस ही फिक्स नहीं किया, ए ने अभी पलट गया कार नहीं बेचेगा, बी अभी उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है क्या? आंसर इज नो। फिर आएगा कंक्लूजन, क्या आएगा? तो प्रोविजन में कानून का रेफरेंस देना है, प्रोविजन में किसका रेफरेंस देना है? कानून का रेफरेंस देना है। तो देखो एज पर सेक्शन 210 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड इट इज टू बी मेड। तो यहां पर देखो सेक्शन 9, प्राइस इज द कंसिडरेशन, प्राइस इज द कि गुड्स दिया तो मुझे क्या मिला, इन रिटर्न क्या मिला? कंसिडरेशन, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू 9, द प्राइस मे बी फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी फिक्स इन द मैनर एग्रीड बाय और मे बी डिटरमाइन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स। पार्टी के पिछले व्यवहार को देखते हुए फिक्स किया जा सकता है, बरोबर है? इवन दो बोथ द पार्टी मिस द डिस्कशन वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रैदर देन अनसर्टेन वॉइड, बायर शैल पे द रीजनेबल प्राइस। अगर उन्होंने प्राइस फिक्स नहीं किया बट वो विलिंग कर रहे हैं, अगर वो विलिंग कर रहे हैं कि देना है और कार दे चुके हैं तो आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, और अगर नहीं दे चुके हैं तो आपको रीजनेबल प्राइस देने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है बात? तो देखो यहां पे, तो अगर आपने कार दे चुके हैं क्या आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा? आंसर इज यस, बट अगर कार नहीं दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। पहला क्वेश्चन क्या क्या लिखोगे? 210 किसका डेफिनेशन? प्राइस। दूसरा क्या लिखोगे? सेक्शन नंबर 9। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट एलएलपी का क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे एकदम अपन ना, एकदम डायरेक्ट पेपर ही ओपन करके पढ़ेंगे, ठीक है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर नेक्स्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? चलते जाएंगे। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सेल। एक्सप्लेन इन ब्रीफ राइट ऑफ बायर। अभी तक आपने अनपेड सेलर पढ़ा है, अनपेड सेलर, बट आपने राइट ऑफ बायर नहीं पढ़ा है।
बरोबर है, बायर के भी तो कुछ अधिकार है कि नहीं है, बायर के कुछ अधिकार है कि नहीं है, है करेक्ट है। तो एक सबसे पहले, इफ सेलर कमिट्स ब्रीच कैन बायर क्लेम डैमेजेस, यस डैमेज लेना उसका अधिकार है। क्या वो बोल सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही परफॉर्म होना चाहिए, करेक्ट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सारे चीज कहां पढ़ी अपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फिर कैन यू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, यस, एंड कैन यू क्लेम डैमेजेस टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस, एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम इंटरेस्ट। तो ये अपने को थोड़ा सा समझना है, ये कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ब्रीच ऑफ, ब्रीच के रेमेडीज है, सूट फॉर डैमेज, बरोबर है क्या नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ब्रीच फॉर वारंटी, कैन यू क्लेम डैमेज, यस, कैन यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ है, यस यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन क्लेम डैमेज, यू कैन क्लेम डैमेज, यू कैन ऑल्सो क्लेम इंटरेस्ट, समझे मेरी बात। तो ब्रीफ ब्रीफ चार पांच रेमेडीज बताना है, पहला रेमेडी बताओ, रेमेडी नंबर वन डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, रेमेडी नंबर टू सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, काम करवा कर लेना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो कमिटमेंट थी वो पूरा होना चाहिए, डैमेज नहीं चाहिए, काम चाहिए, जो बोला गया वो होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या बायर सेलर को बोलेगा, ए सेलर पैसा नहीं चाहिए, जो बोला वो पूरा कर, अरे सेलर इधर आ पैसा रख तेरे पास, हमें काम चाहिए, हमने जो बोला था वो होना चाहिए, क्या ऐसा बोला था है? हाँ आंसर ऐसा है, सही है कि नहीं, करेक्ट है। उसके बाद क्या ब्रीच ऑफ वारंटी पर डैमेज ले सकते हैं, यस, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर सकते हैं, यस करेक्ट है, और क्या आप इंटरेस्ट डिमांड करोगे, आंसर इज यस। इसको थोड़ा ड्राफ्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, उसको आराम से समझेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव टू बताओ, सर्टन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल, नमूना, सैंपल याद आ रहा आपका, अरे ऑनलाइन जनता आर यू देयर, प्लीज पुट अ मैसेज, ये लेक्चर प्राइवेट होगा, लेक्चर होते ओके, सर्टन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय जेड टू के, विच इन टर्म द सोल्ड द सेम गुड्स बाय सैंपल टू एल एंड बाय एल बाय सैंपल सोल्ड इट टू एम, क्या पासिंग पार्सल चल रहा है, जे ने किसको बेचा, के ने किसको बेचा, एल, एल ने किसको बेचा, एम, जे ने माल, के ने किसको बेचा, एल, एल ने किसको बेचा, एम, एम फाउंड द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल एंड रिजेक्ट द गुड्स एंड गेव नोटिस टू एल, के भाई सैंपल और माल मैच नहीं हो रहा, लेके जा वापस, नहीं चाहिए, समझे, एल फाइल द केस अगेंस्ट के एंड के फाइल द केस अगेंस्ट जे, कैन एम रिजेक्ट द गुड्स, एडवाइस के एंड एल एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोच के आंसर करना, गड़बड़ मत करो, सोच के आंसर करो, बताओ, गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल, किसने किसको बेचा, सैंपल दिखा के, जे ने के को बेचा, फिर वही सैंपल दिखाकर किसने किसको बेचा, के ने एल को बेचा, और फिर वही सैंपल दिखाकर एल ने किसको बेचा, एम को बेचा, अब एम को जो चेक किया तो गुड्स मैच नहीं हो रहा है, गुड्स मैच, तो अब उठाकर उसने रिजेक्ट कर दिया और एल को नोटिस भेज दिया, नहीं चाहिए, अब एल ने उठाकर के को नोटिस दिया और के ने उठाकर जे को नोटिस दिया, कैन एम रिजेक्ट द गुड्स, आंसर इज येस और नो, यस, क्योंकि गुड्स आर कंडीशन हैज टू सैंपल, द बल्क मस्ट करस्पॉन्ड टू द सैंपल, द करस्पॉन्ड टू द सैंपल, एंड इफ इट डज नॉट करस्पॉन्ड टू द सैंपल, बायर हैव अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, ये बात तो पढ़ा ना आपने, कौन से सेक्शन को रेफर करोगे, कंडीशन वारंटीज कहां से चालू होता है, याद देखो देखो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बेर एक्ट में जा रहे हैं हम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज पर सेक्शन 17, 1717, ये देखो 17, सेल बाय सैंपल दिख रहा है क्या आपको, कंडीशन वारंटी यहां से चालू होता है 11 से लेकर 17 तक, दिख रहा है क्या आपको, है पूरा कंडीशन वारंटी टॉपिक है, करे तो अभी आपको यह समझना है, एक सेकेंड,
देखो एज पर प्रोविजन ऑफ 17 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट द बल्क शल करस्पॉन्ड विद सैंपल. बरोबर है क्या नहीं? इन दिस केस एम रिसीव द गुड्स बट इट डिड नॉट मैच विद सैंपल, एम कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड सू द एल. विथ रिगार्ड्स टू के एंड एल, एल कैन रिकवर डैमेज फ्रॉम के एंड के कैन रिकवर डैमेज फ्रॉम एल, बट फॉर के एंड एल इट इज नॉट ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन. करेक्ट, एज दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स. क्या उन्होंने चेक करने का कष्ट लिया? मैंने राधा ने गुड्स बेचा कृष्णा को, कृष्णा ने गुड्स बेचा किसी और को. एग्जाम्पल, गीता ने बेचा बबीता को, बबीता ने बेचा जेठालाल को, जेठालाल ने बेचा अय्यर को. आप उन्होंने चेक किया कि नहीं किया? नहीं किया. तो बायर की गलती, सेलर की गलती? बायर की गलती. बट एम ने चेक किया तो एम को हम प्रोटेक्शन देंगे. बट पिछले वालों ने चेक नहीं किया, उन्होंने गुड्स को वेरीफाई करना था. करना था कि नहीं करना था? करना था ना. तो गलती किसकी है? बायर की है. तो बट एम तो बायर सही है, एम ने चेक करके रिजेक्ट कर दिया, बट पिछले बायर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, बट एम क्लेम कर सकता है. समझे क्या हुआ है? पढ़ो 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 पढ़ो. जे सोल्ड गुड्स टू के, के सोल्ड गुड्स टू एल, एल सोल्ड गुड्स टू एम. अब एम ने चेक किया, किसने चेक नहीं किया? के और एल. तो गलती किसकी है? के और एल, बट कौन सही है? एम. जय माता दी. तो आपने क्या करना है? सेक्शन 70 लिख के आना है, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल एंड बायर शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द सैंपल. अगर बायर ने चेक किया और गुड्स सैंपल से मैच नहीं हो रहा है, बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस. ये प्रोविजन लिखा. फिर आप क्या लिखोगे? फैक्ट्स जो क्वेश्चन में दिया है. फिर आप लिखोगे कंक्लूजन. बाय रेफरिंग द अबव प्रोविजन एंड द फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट एम चेक द गुड्स एंड ही कैन रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज इट इज नॉट मैचिंग विद सैंपल, बट एल एंड के डिड नॉट चेक द गुड्स एंड देयरफॉर दे डोंट हैव अ राइट टू क्लेम द कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. कितने लोगों को समझाइए? पक्का? ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल अपने कवर किया क्या? हाँ, देखते हैं. ऑक्शन सेल, एन ऑक्शन सेल ऑफ सर्टन गुड वॉज हेल्ड ऑन 7th मार्च बाय फॉल ऑफ हैमर. अरे नहीं, ये तोड़ जाएगा. फॉल ऑफ हैमर, ठीक है. द पेमेंट ऑफ ऑक्शन सेल वॉज मेड ऑन 8th मार्च फॉलोड बाय डिलीवरी ऑन 10th मार्च बेस्ड अपॉन द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिसाइड व्हेन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट. 7 तारीख को कंप्लीट हुआ है, 8 तारीख को कंप्लीट हुआ है, 10 तारीख को कंप्लीट हुआ है. सोच के, 7 तारीख को उनको फॉलो हैमर हुआ, 8 तारीख को उन्होंने पैसा दिया, 10 तारीख को गुड को डिलीवर हो गया. ऑक्शन सेल कब कंप्लीट हुआ है? फॉलो हैमर. डिलीवरी पेमेंट डज नॉट डिसाइड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. पेमेंट आना या डिलीवर होने से ओनरशिप डिसाइड नहीं होता है. बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ओनरशिप इज डिसाइडेड. कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 7 मार्च. तो ओनरशिप कब गया? 7 मार्च. नहीं समझे? फॉलो हैमर पे ओनरशिप चला गया. अब डिलीवरी पेमेंट होता रहेगा, डिलीवरी पेमेंट होता रहेगा. देखो यहां पे छोटा सा आंसर है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 द सेल इज कंप्लीट व्हेन ऑक्शनरी अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉलो हैमर. इन द गिवन क्वेश्चन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन टेन 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 टेन. आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है. कोशिश करके डेली बेसिस पे ये डाउनलोड करना और इसमें से एक एक आंसर क्वेश्चन पढ़ने का, अटेम्प्ट लिख के आंसर लिखने का, ऐसे कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ. अभी भी बहुत समय आपके पास. और ये आदत डालनी पड़ेगी. अभी नहीं डालोगे तो इंटरमीडिएट पे प्रॉब्लम आएगी. अभी पास हो जाओगे ऐसे तैसे करके, बट डालोगे तो अच्छी बात है, राइट? करेक्ट. नवंबर 22 पेपर, नवंबर 22 पेपर आ जाओ, दिखा देंगे. डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स एंड इट्स
एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स है. मुझे बताओ एक सेकेंड, ओनरशिप ट्रांसफर होने का प्रोविजन कहां कहां पर है? ओनरशिप ट्रांसफर होने का प्रोविजन 18 से चालू होता है और एंड होता है टिल 30, करेक्ट है. 18 में गुड मस्ट बी असर्टन एंड ओनरशिप विल बी ट्रांसफर व्हेन द पार्टी इज इंटेंट. 20, 19, 20, 21, 22 किसके बारे में? स्पेसिफिक गुड्स. 23 किसके बारे में? सेल ऑफ अनसर्टन गुड. अनसर्टन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? याद आ रहा है ऐसा कुछ? अपने रेगुलर क्लास में सेक्शन वाइज पढ़ा है, करेक्ट है. ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए गुड मस्ट बी असर्टन. सेकेंड, प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर व्हेन द पार्टी इज इंटेंट. जब दोनों है राजी तो क्या करेगा? जब दोनों राजी है ओनरशिप के लिए, बात खत्म हो गई. डिलीवरी पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. पेमेंट देना, पेमेंट शायद 3 महीने बाद है, डिलीवरी 2 महीने बाद है, ओनरशिप आज ही चला गया, हो सकता है. करेक्ट. 20, स्पेसिफिक गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है, 3 सिचुएशन है. स्पेसिफिक गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, आर टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, बट आर इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस इज टू बी असर्टेन. देखो चार्ट देखो, अरे चार्ट देखो ना, अपने बुक में बनाया था ना. तो उसके बाद 23 में आपने पढ़ा था सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन. क्वेश्चन नंबर दिस, डिस्कस द एलिमेंट रिगार्डिंग सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बताइए गाइस. टिंडिंग, क्या क्या लिखोगे? मुझे बताओ. एप्रोप्रिएशन कौन करेगा? बायर और सेलर दोनों मिलके सिलेक्शन करना. क्या बायर अकेला कर सकता है? यस, विद द कंसेंट ऑफ सेलर. क्या सेलर अकेला कर सकता है? यस, विद द कंसेंट ऑफ बायर. एग्जांपल, मेरे गोडाउन पे बासमती राइस आने वाला है, फ्यूचर गुड्स. मैंने बोला शाम को आ जाओ, बढ़िया बासमती राइस. बोले ठीक है, एक बैग मेरे लिए रखना. मैंने बोला शाम को आ जाओ, शाम को ट्रक आया. अब क्या बन गया वो? एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग में भी क्या बन गया वो? अनसर्टन, क्योंकि गुड्स अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ. 100 बैग मेरे पास आया. अब मैंने आपको फोन किया, अरे ढोकलो आ जाओ, बासमती राइस लेकर जाओ, आ गया. बोले सर आ रहे आ रहे आ रहे. आप आए, मैं और आप गोडाउन में गए. आपने बोला वो सैंपल दिखाओ, वो सैंपल. आपने बोला वो वाला बैग चाहिए, मैं बोला लेके जाओ. तो आपने मैंने मिलकर सिलेक्शन किया, किया कि नहीं किया? तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. बट आप आए, मैंने बोला गोडाउन की चाबी लो, जो पसंद है ले लो. मेरे कंसेंट से आपने अकेले सिलेक्शन किया. मैंने आपको फोन किया, अरे बासमती राइस आ गया लेकर जाओ. आप बोले सर एक कोई तो बैग रख दो. आपके बोलने पर मैंने एक बैग बाजू में रखा. तो एप्रोप्रिएशन इज डन बाय बोथ द पार्टीज, इधर बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, इधर बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है, समझे मेरी बात? अच्छा, कंसेंट कब लेना है? एप्रोप्रिएशन से पहले या एप्रोप्रिएशन के बाद? सिलेक्शन से पहले या सिलेक्शन के बाद? पहले बाद दोनों भी चलता है. एग्जाम्पल, मैंने आपको फोन किया, आपने बोला सर एक सिलेक्ट करके रख दो. मैंने आपके बोलने के बाद सिलेक्शन किया. एप्रोप्रिएशन सिलेक्शन करने से पहले आपसे परमिशन ले लिया. दूसरा, मैंने आपको फोन किया सिलेक्शन करने, माल खत्म हो रहा है, मैंने एक बैग बाजू में रखा. आप आए, अरे यार क्या तुम लेट आए, तुम माल खत्म हो रहा था, मैंने एक बैग बाजू में रखा. रखा ना सर, चलेगा 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 ना. हाँ चलेगा, लेके जा. कंसेंट कब लिया? सिलेक्शन के बाद. एप्रोप्रिएशन से पहले भी कंसेंट ले सकते हैं, एप्रोप्रिएशन के बाद भी कंसेंट ले सकते हैं. कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. फोन पे पूछा, एक्सप्रेस. पूछा नहीं, बैग भेज दिया, आपने बैग ले लिया, इंप्लाइड. याद आ रहा? याद आ रहा? ये सब मैंने रेगुलर क्लास में डिटेल में पढ़ाया है. ठीक है ना, बात वही चीज है. ये देखो, व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, बाय डिस्क्रिप्शन गुड्स आर डिलीवरेबल स्टेट. अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन टू कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर. अगर आपने अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट किया है, किसने किया है? सेलर ने बायर को पूछ के या बायर ने सेलर को पूछ के? ओनरशिप इज ट्रांसफर. याद आ रहा है? करेक्ट. तो एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग द गुड्स विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर. है कि नहीं एप्रोप्रिएशन का मीनिंग? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, अरे हाय ना, करेक्ट है। तो अब ये देखो, सबसे पहले गुड्स को क्या सिचुएशन मान, गुड्स इज ऑफ अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, द गुड्स शुड मैच विद द डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट एंड गुड मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, गुड मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड एंड अप्रोप्रिएशन इज डन बाय सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर और बाय बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर एंड एसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड एसेंट कैन बी इधर बिफोर अप्रोप्रिएशन और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। ये सब कंडीशन करोगे ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। नहीं समझे, वापस बोलो क्या क्या है। गुड मस्ट बी अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, गुड मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, दे मस्ट बी अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, द अप्रोप्रिएशन इज डन विद द कंसेंट, कंसेंट कैन बी टेकन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड इट कैन बी टेकन बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अगर ये सब है और तो आपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। डिंग डिंग, देखो रेगुलर क्लास में जो सबसे नोट्स बनाए ना, वो आपको अभी थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में थोड़ा हेल्प करेगा, ज्यादा बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, वॉट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। देखो अनपेड सेलर कौन है, दुखी प्राणी। कौन है दुखी प्राणी, जिसको पैसे मिले नहीं है, उसने माल बेचा है बट उसको पैसे मिले नहीं है। अगर गुड्स उसके ताबे में है, वो अपने पास ही गुड्स रखेगा, उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। गुड्स रास्ते में रोक कर लेगा, उसको बोलेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सुनना मेरी बात, गुड्स उसके पास ही है, बायर पैसा ही नहीं दे रहा है, वो बोलेगा जा बह 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 पैसा लाया तो मैं माल दूंगा, नहीं तो जा दफा हो जा, मेरे पास ही माल है। तो क्या हो गया, राइट ऑफ लीन, गुड्स अपने कस्टडी में रखना। और गुड्स ना बायर के पास है ना सेलर के पास है, रास्ते में है, वो गुड्स को रोककर अपने ताबे में लेना, दैट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब वो गुड्स को अगरबत्ती तो नहीं लगाएगा, फार फूल तो नहीं चढ़ाएगा, सामने वाले को बोलेगा देख भाई 15 दिन दे रहा हूं, पैसा दे नहीं तो माल भेज दूंगा किसी और को, गोडाउन लॉक हो रहा है, पैसा लॉक हो रहा है। सामने वाले को नोटिस देने के बाद भी पैसा नहीं आया, क्या वो गुड्स को बेच सकता है? और अब गुड्स बेचने में मुनाफा हो गया, मुनाफा कौन रखेगा, सेलर। और गुड्स नुकसान में बेचना पड़ा, क्या वो नुकसान सामने वाले से भरवाएगा? यस। बट पेरिशेबल गुड्स है, जिसकी लाइफ कम है, एक ट्रक दूध बेचना है, अब दूध की लाइफ 6 दिन होगी सपोज, आपने पैसे नहीं दिए, अब वो बोलेंगे 15 दिन की नोटिस, माल दूध खराब हो जाएगा। पेरिशेबल गुड्स में नोटिस दो या ना दो चलेगा, बट ड्यूरेबल गुड्स में आपको नोटिस देना पड़ेगा। सर पेरिशेबल गुड्स में नोटिस दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, रीसेल करके मुनाफा आया तो वो हो गया बेसिकली बायर सेलर रखेगा, नुकसान होगा तो बायर से भरा जाएगा। समझ में आ रहा आपको मेरी बात, अरे हाय ना। बट अगर मैंने नोटिस नहीं दिया, शायद आप जेन्युइनली पैसा भेज रहे थे या आपने पैसा भेज दिया था मैंने देखा नहीं, और मैंने बगैर नोटिस दिए बेच दिया, गलती किसकी, सेलर। आप नुकसान हो गया बेचने पे, भरेगा कौन, सेलर। फायदा हो गया तो कौन लेगा, बायर, राइट ऑफ रीसेल। समझे मेरी बात। देखो यहां पे क्वेश्चन 4A, वेयर गुड्स आर पेरिशेबल नेचर एंड वेयर द गुड्स नोटिस इज गिवन, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज इंटेंशन। सेलर को बायर को बोलने की जरूरत, बट बाकी केस में उसको नोटिस देना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा, और फिर भी नुकसान हुआ वो डैमेज कलेक्ट करेगा, और प्रॉफिट हुआ वो क्या करेगा, रिटेन करेगा, दैट इज द राइट ऑफ रीसेल। समझ में आपको मेरी बात। नुकसान हो गया क्या रिकवर करेगा, दूध का ट्रक 2 लाख रुपए का बेचना पड़ा 1.5 लाख में, 5,000 का नुकसान, कैन ही रिकवर, यस। दूध का ट्रक 2 लाख का बेचा 2,20,000 में, क्या 20,000 का फायदा क्या सेलर रख सकता है, यस, दैट इज राइट ऑफ रीसेल। क्लियर हो गया बात, पक्का। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हुए कि नहीं हुए, समझो। हाँ बता तो, ये भी इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना है। कंपनीज एक्ट,
कंपनीज एक्ट के बाद आगे बढ़ते हुए अगला अटेम्प्ट मई 22 बूंद बूंद से घट भरेगा, है ना। मई 22 के अटेम्प्ट पे आ गए, कितने पेपर हो गए, दो। कौन से दो हुए, जून 23 नवंबर 22। मई पहले अपन ये चारों पेपर पे फोकस करेंगे सब टॉपिक के, फिर अपन और पिछले पेपर उठाएंगे। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, करें तो मई 22 मेरा फोकस अभी चार पेपर पे, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा बट करेंगे इसको, ठीक है। अब ये देखना है यहां पे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स डिस्ट्रॉयड पेरिश्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, सेक्शन 8 आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल गुड डिस्ट्रॉय हो गए गोडाउन में पानी भर गया, सेक्शन 7 एंड 8। समझाता हूं क्या ये, देखो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्जाम्पल, मेरे गोडाउन में बासमती राइस रखा है, रोहन को बासमती राइस खरीदना है, रोहन आया बोला सर 3 महीने बाद ये बासमती राइस मैं खरीदूंगा, मैंने बोला ओके डन, 3 महीने बाद तू मुझे 10 लाख देना और गुड्स लेके जाना। रोहन और मेरे बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, और उसने आके गुड्स को सिलेक्ट करके रखा है, तो कौन से गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, कौन से गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, है क्या नहीं है, बराबर है क्या नहीं है। अब 3 महीने में 1.5 महीने में गोडाउन में पानी भर के गुड्स खराब हो गए, क्या रोहन लाइबल है गुड्स खरीदने के लिए, नहीं, ना रहेगा गुड्स ना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ना रहेगा गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल, सेल होने से पहले गुड्स में आग लग गई, गुड्स में पानी भर गया, तो अब गुड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। मैं और रोहन फ्लाइट में डील कर रहे हैं, पीछे से गोडाउन में आग लगी हमको पता ही नहीं है, फ्लाइट के अंदर इसने बोला गोडाउन नंबर 10 बासमती राइस खरीद रहे हैं, मैंने बोला डील डन, इसने बोला पैसा दे दूंगा, सेल से पहले ऑलरेडी आग लग चुकी थी, क्या रोहन लाइबल है गुड्स खरीदने के लिए, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, सेक्शन नंबर 7 और पहला वाला सेक्शन नंबर 8 याद आ रहा है आपको, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, सब चीज पढ़ी है, याद रखना कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान से करना है बस। क्वेश्चन नंबर ये देखो 1C सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 दोनों सेक्शन का रेफरेंस दिया ना, देखो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इज वॉइड इफ एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर The goods has perished or damaged. Contract will be void. जब contract बन रहा था already goods perished or damaged है, seller के बाद पता नहीं है, contract will be void. And section 8, where there is agreement to sell, where there is and subsequently the goods gets perished, the agreement will be avoided, the contract will be void. सेक्शन 7 एंड 8 का रेफरेंस देना था, बरोबर है। क्वेश्चन 2 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, माइनर का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हा, सेल बाय सैंपल सेक्शन नंबर 17 रिपीट हुआ ना, अरे सैंपल पे केस्ट्री आया कि नहीं आया, The bulk must correspond to sample and buyer should get an opportunity to verify the sample. ये words लिखोगे आप, section 17 का reference दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, अगर goods defect है तो फिर उसको seller avoid, buyer avoid कर सकता है, वो सारी बातें लिखे, ये already repetition है कि नहीं है, उसके नीचे उसी में also state the implied warranties, कौन से implied warranties है, कितने implied condition पड़े अपने, 7 और कितनी इंप्लॉयड वारंटी पड़ी, 4, कौन से कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड और पर्पस, सब समझाया मैंने, एन इंप्लाइड वारंटी, 4 वारंटी है,
डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस. एनकम्ब्रेंस पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है. नेक्स्ट थर्ड क्या आएगा? कौन सा थर्ड वारंटी है? क्वाइट पोजेशन एंड क्वालिटी और फिटनेस. ये चारों वारंटी के बारे में आपने डाला है. अनडिस्टर्ब पोजेशन, क्वाइट पोजेशन, गुड्स मिलने में आपको, पोजेशन मिलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए. डिस्टर्ब पोजेशन मिला है तो कैन यू क्लेम डैमेज? यस. उस गुड्स फ्री फ्रॉम चार्ज होना चाहिए. अगर उस गुड्स पे कुछ पैसे बाकी है और आपने पैसे भरे, क्या आप पैसे अब रिकवर करोगे? यस, करेक्ट है. फिटनेस और क्वालिटी, डेंजरस नेचर बताना जरूरी है. करेक्ट गाइस. तो ये चारों भी वारंटी प्लस क्वालिटी और फिटनेस, जो पर्पस बोला है वो पर्पस के लिए गुड्स मिलना चाहिए. करेक्ट गाइस. ये चारों भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के बाद ओपीसी, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हर अटेम्प्ट में दो तीन क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से. दिसंबर 21, देखो, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ, कब कब, व्हेन बायर वेव्स द कंडीशन. ना रहेगा बास ना बजेगी, ना रहेगा कंडीशन ना रहेगी. व्हेन बायर इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी. याद है आपको एग्जांपल दिया था, आपको घर पे बासमती राइस खिलाना था, बिरयानी के लिए बुलाया था. मैंने फोन करके बोला भैया 10 केजी बासमती राइस भेजना, उसने कोलम राइस भेजा. मैंने बोला कोई बात नहीं, दे दे अभी और पैसा दे दे. आए मैंने खुद ने ही क्या किया, वारंटी कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया था. याद आ रहा है? और एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, सुकांता, सुकांता में हम आमरस खाने जा रहे थे. क्या हुआ था? सुकांता एक थाली सिस्टम में रेस्टोरेंट है. आपने मेनू पढ़ा, देखा आमरस भी है. मेनू 500 रुपए खाना, आमरस अनलिमिटेड, रोटी अनलिमिटेड, खाना अनलिमिटेड. अपन सब लोग खाने गए, खाने गए कि नहीं गए? गए. खाना खा लिया, आमरस मिला नहीं, आमरस खत्म हो गया था. याद आ रहा? आपने पार्ट ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट किया और रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या है? ब्रीच. रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या है? ब्रीच है. बराबर है कि नहीं? है कि नहीं है? तो पार्ट ऑफ द गुड्स के लिए आपने एक्सेप्ट किया है और रिमेनिंग पार्ट के लिए आपके लिए ब्रीच है. क्या आप कैंसिल करोगे या डैमेज क्लेम करोगे? तो क्या आप कंडीशन को वारंटी ट्रीट करोगे? यस. कंडीशन इज मोर पावरफुल. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, आप बोलेगा भैया आमरस का पैसा काट के रिफंड करो, आमरस नहीं मिला, 100 रुपए पर प्लेट कैंसिल करो. तो आप क्या करोगे? इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी. देखो पढ़ो इसको. इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इफ देर इज ब्रीच ऑफ बायर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन. बायर वेव 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 क्या करना? हटा देना. वेन बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल. बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल ऑफ द गुड्स और पार्ट देर ऑफ एंड सम देर इज इम्पॉसिबिलिटी. ये सब रीजन है तो कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वॉरेंटी. कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना. जो लोग लेक्चर में थे, जो नहीं थे वो मुझे नहीं मालूम, बट जो थे उनको याद आ रहा है क्या? पक्का ये सब पढ़ा अपने, हर चीज पढ़ी है. ठीक है गाइज, आगे बढ़ेंगे. ये एल एल पी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट के आगे बढ़ते हुए डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज. सेल के लिए कौन सा एक्ट है? सेल ऑफ गुड्स है. हायर परचेज के लिए कौन सा एक्ट है? हायर परचेज एक्ट 1978. सेल में कितने पार्टीज है? दो. कौन से दो? बायर एंड सेलर. हायर परचेज में कौन से पार्टीज है? हायर परचेजर एंड हायर वेंडर. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर? ट्रांसफर. हायर परचेज में ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. सेल में पोजेशन मे और मे नॉट, बट हायर परचेज में पोजेशन इज गिवन एट प्रायोरिटी. सेल में क्या बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? नो.
बट हायर परचेज में हायर परचेसर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, याद है आपको। सेल में रिस्क किसका है? बायर का है। और हायर परचेज में रिस्क किसका है? हायर वेंडर का है। भाड़े पे मशीन दिए, भाड़े पे मशीन दिए ना, ओनरशिप कब मिलती है? सारा इंस्टॉलमेंट भरने के बाद, बराबर है। सेल में आप हायर परचेसर कौन है? बेली। अच्छा, क्या मैंने गोल्ड उधारी पे खरीदा है? इससे खरीदा है, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने खरीदा है और मैंने वो गोल्ड सब रोहित को बेचा है, तो रोहित को ओनरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, भले मैंने पैसे इसको दिए नहीं है, बट मैंने भाड़े पर कार लाया जिसका मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं और मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ओनरशिप मिलेगा, क्या वो कार मैं रोहित को बेच सकता हूं? नहीं। बायर कैन ट्रांसफर अ बोनाफाइड टाइटल बट हायर परचेसर कैन नॉट ट्रांसफर अ बोनाफाइड टाइटल। ओनरशिप ट्रांसफर मैं नहीं, मैं खुद भाड़े कर ही हूं, मैं कहां से ओनरशिप दूंगा? याद आ रहा क्या आपको? ऐसे 7-10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, सेल वर्सेस हायर परचेस। ये देखो क्वेश्चन 5 टेस्ट में आया था। टीके ऑर्डर टिम्बर ऑफ 1 inch थिक फॉर बींग मेड इन ड्रम्स, ठीक है, ड्रम बनाने के लिए। द सेलर एग्री टू सप्लाई द रिक्वायर्ड टिम्बर ऑफ 1 inch। However, the timber supplied by seller varies in thickness from 1 inch to 1.4 inch. ज़्यादा thick भेज दिया। The timber is commercially fit for the purpose which is ordered. TK reject the timber. Explain the relevant provision whether TK can reject the goods. Description. हमने क्या बोला? 1 inch का चाहिए। आपने कितना भेजा? 1.4 inch. आपका काम तो हो रहा है, वो अलग बात है। But जो बोला वो आया है क्या? मैंने जो बोला वो गुड्स मुझे मिला? आप शादी करने जाओगे, जो बोलोगे उससे शादी होगी ना? थोड़ा भी वेरी चलेगा क्या? सीधी बात है ना, करे तो देखो क्वेश्चन 5A, गुड्स एज टू क्वालिटी और फिटनेस, करे। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्वेश्चन दिया है क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से, करे। एक्चुअली क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे ना बाय डिस्क्रिप्शन तो रिजेक्ट कर सकते हैं, बट अगर क्वालिटी और फिटनेस आपका काम हो रहा है तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया? जनरलाइज दे दिया। रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो टीके ऑर्डर 1 timber थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम्स। उसने बोला कि मुझे ड्रम्स में यूज होने वाला है, बट उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो एज पर क्वालिटी और फिटनेस यू कैन नॉट रिजेक्ट। आपने पर्पस बताया, हमने वो पर्पस के आपसे गुड्स दिया, करेक्ट है, तो वो पर्पस आपका पूरा हो रहा है तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट आइडियलिस्टिकली क्या सैंपल के बेस पे, क्या डिस्क्रिप्शन के बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं? यस। तो इनका जो क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है इट इज ऑन क्वालिटी और फिटनेस। डू यू रिमेंबर द क्वालिटी और फिटनेस? रिपीट करेंगे, क्या है क्वालिटी फिटनेस? क्या है क्वालिटी फिटनेस? क्वालिटी फिटनेस क्या था? जो पर्पस बोला गया वो पर्पस पूरा फुलफिल होना चाहिए। एग्जाम्पल है, मैंने बोला मेरे घर पे 400 स्क्वायर फीट के लिए एसी चाहिए और उतनी कूलिंग होना चाहिए। उन्होंने एसी दिया बट वो 100 स्क्वायर फीट को कूल कर रहा है, तो क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूं? क्योंकि मैंने पर्पस बताया था, सेलर ने मुझे वो गुड्स भेजा, मेरा पर्पस पूरा नहीं हुआ, आई कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उस एंगल से आंसर दिया। देखो रीड करो, द कंडीशन must fulfill the following things. देखो buyer should known to the seller the particular purpose के मुझे ये goods drum बनाने के लिए चाहिए, बराबर है। The buyer rely on the skill and judgment of seller. Seller ने बोला okay ये हो जाएगा। अब the goods must be whether manufactured or not, seller उसका dealer है, अगर ऐसा है तो buyer का purpose पूरा हो जाना चाहिए। क्या buyer का purpose पूरा हो रहा है drums के केस में? Answer is yes. Answer is yes. So now buyer cannot reject based on this grounds. But मैं अगर बोलू description, मैंने क्या goods बोला? 1 inch का मुझे stick चाहिए drum के लिए। आपने कौन सा भेजा? 1.4 inch. Exam में दोनों लिख कर आना। क्या करना? यहां पर सजेस्टर आंसर में इन्होंने दिया है, मैं मान रहा हूं, मुझे मालूम है, बट आपने सेफर साइड दोनों लिख कर आना, दैट इज अ सजेशन। ओके, पक्का? ऑल्टरनेटिव आंसर देखो, ऑल्टरनेटिव आंसर आया कि नहीं? एक आंसर वो क्या बोल रहे हैं कि वो रिजेक्ट
नहीं कर सकता है। और वही दूसरा आंसर देखो, मैं रिजेक्ट द टेम्पल, मैंने सही बोला ना, मतलब अगर आप क्वालिटी और फिटनेस देखोगे तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, देखो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देखोगे तो डिस्क्रिप्शन के ग्राउंड पे वो रिजेक्ट कर सकता है। दिस वॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ये तो कॉन्सिडेंटली उन्होंने, मैंने फ्रेंकली देखा नहीं था आंसर, बट मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि आपको दोनों लिखना चाहिए क्योंकि दोनों लॉजिक सही है। और इंस्टीट्यूट भी वही कर रहा है, ताली बजाओ इंस्टीट्यूट के लिए, ताली बजाओ यार, क्योंकि एक एंगल से रिजेक्ट होगा, एक एंगल से रिजेक्ट, कंक्लूजन है कि रिजेक्ट होगा। मैंने बोला क्या था, एक इंच का, आपने क्या भेजा, मुझे नहीं, बायर राजा है, समझ रहे मेरी बात, ओके। तो दिस इज, बट उनका डिस्कशन क्या हुआ है, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला देख भाई एक इंच का चलेगा, कैसा भी चलेगा, मेरा ड्रम का काम होना चाहिए, ऐसा बोला है तो रिजेक्ट, वो बोलता मुझे नहीं मालूम एक ही इंच चाहिए तो वो रिजेक्ट। तो जो बातें होती है बायर सेलर की उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमको डिप्लोमेटिक आंसर रखना पड़ेगा। समझे क्या बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5-2 आ जाओ। ए बी सोल्ड 500 बैग्स ऑफ वीट टू सी डी, बी डी ने सी डी करें, ईच बैग कंटेन 50 केजी ऑफ वीट, 50 केजी की घेहूं है, 500 बैग का डील हो गया। ए बी सेंड 450 बैग्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड रिमेन 50 बैग्स, 50 बैग रह गए। बिफोर सी डी रिसीव 450 बैग्स ही बिकम बैंकरप्ट, बर्बाद, इंसॉल्वेंसी। नाउ ए बी स्टिल अनपेड स्टॉप द बैग इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन, गुड्स को रोकना, 450 बैग भेज दिया था, पता चला वो बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, 450 बैग को ट्रांजिट से रोकना, ऑफिशियल रिसीवर ऑन सीडीज इंसॉल्वेंसी, क्लेम द बैग, बोलता है बैग पर हमारा अधिकार है, बैग पर। राम और लखन दो लोग हैं, राम 500 बैग बैग गेहूं का भेजने वाला है, राम ने 450 बैग भेजा, रास्ते में बैग है, तब तक लखन की इंसॉल्वेंसी पता चली, राम ने गुड्स को रोककर अपने ताबे में लिया, और लखन अभी लखन की बिहाफ पे जो कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी है वो बोलता है ए राम सर मेरी बात, लखन इंसॉल्वेंट है तो क्या हो गया, वो गुड्स का ओनर कौन है, लखन है। तो राम बोलता है हे लखन, तेरा नाम है लखन, सुन मेरी बात, हे लखन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अनपेड सेलर, मेरे पास स्पेशल पावर है, तेरी इंसॉल्वेंसी की खबर आई, मैंने गुड्स को रोक सकता हूं। राम, लखन बोलता है हे राम, हे राम, तूने गुड्स को कैसे रोका, मैं ओनर हूं। लखन, राम बोलता है हे राम, समझा मेरी बात, ए और बी समझना, ये बोलता है मैंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया, मैं कौन हूं, अनपेड सेलर। तो ये डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, क्या वो गुड्स को रोक सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की कंडीशंस क्या है। कंडीशन नंबर 1, बायर मस्ट बी इनसॉल्वेंट, गुड मस्ट बी इन ट्रांजिट एंड सेलर मस्ट बी अनपेड सेलर। तो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो वही चीज लिखी है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दिख रहा है आपको, वेन द बायर बिकम्स एन अनपेड सेलर हू हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स हैव स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ही मे रिज्यूम द पोजेशन विच इज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट अंटिल द प्राइस इज पेड फॉर। बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, गुड्स किधर है, ट्रांजिट में, क्या बायर सेलर रोक सकता है, यस सेलर रोक सकता है, करेक्ट है बात। तो यहां पर देखो, when unpaid seller has parted with the goods to the carrier and buyer become insolvent, he can ask the carrier to return the goods, ye ho gaya aapka stoppage in transit ka provision। aap kya likhoge, facts kya hua, aur kya likhoge, conclusion। dekho, cd the buyer become insolvent and 450 bags are in transit, ab can stop the goods in transit, official receiver cannot claim the bag। samjhe kya hua hai, अरे सच्ची बताओ ना यार, पक्का करेक्ट। तो ये हो गया अनपेड सेलर के बारे में, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 से 12 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, एक क्वेश्चन था स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एक था प्राइस फिक्सेशन,
करेक्ट, एक था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स, एक था कंडीशन हैज टू सैंपल, दो बार आया था कंडीशन हैज टू सैंपल, दो अटेम्प्ट में आया, करेक्ट है। फिर एक था राइट ऑफ रीसेल, गुड्स वापस लेकर बेचना, अनपेड सेलर, अनपेरिशेबल गुड्स में नोटिस देने की जरूरत, राइट ऑफ रीसेल। एक था ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ऑन फॉल ऑफ हैमर, याद रहा है। और क्या था, हाँ हाँ, सेल एंड हायर परचेस, सेल एंड नहीं प्राइस इज मिसिंग वाला था, हाँ सेल एग्रीमेंट सेल बोल सकते हैं। और आठ कंसेप्ट हुआ है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आया, लीनिया है, और फिर एक था कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, याद आ रहा है क्या। फिर था इंप्लाइड वारंटी की लिस्ट बताऊं, इंप्लाइड, तो ऐसे 10 कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए, चार अटेम्प्ट्स है, ऐसे बूंद बूंद से गड़बड़ेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। इसको आपको मैं पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ये वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, आपको भी मैं दूंगा, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे, लॉ के ग्रुप में दूंगा, लॉ का व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा थोड़ी देर बाद, कल आएगा, ठीक है ना बात। और कल मैं ट्राई करके सारे क्वेश्चन दूंगा, इसको ना डेली बेसिस पे दो दो क्वेश्चन लिखना है, अगले केवाई से पहले आपका लिख के खत्म हो जाना चाहिए, करोगे, चलेगा गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, कल देवानंद बनकर आऊंगा मैं, थैंक यू, बाय बाय।